साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रेसाइडिंग ऑफिसर, उनके चुनाव के अंदर उनकी बेईमानी बहुत साफ साफ एक्सपोज हो गई है। जिसने उस कोर्ट की हियरिंग को देखा होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा, उनको समझ में आ गया होगा भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से मेयर के चुनाव के लिए इतनी बड़ी बेईमानी करने के लिए तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट भी साफ साफ कह रहा है कि भाई सीसीटीवी में दिख रहा है। और जिस तरीके से और पार्टी के पार्षदों को लुभाकर अपने यहां लाने की कोशिश, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसकी एक्नॉलेजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक हो गई, ये आज के जो राजनीतिक परिवेश है उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल उठाता है। और ये बात कहता है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है, ये जो है देश की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए कैंसर का काम कर रहा है। एमएसपी से कम पर सरकार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, सुबह सुबह मैं अपना फोन देख रहा था, अपने आप प्रधानमंत्री जी का एक पुराना वीडियो आ गया। उसमें प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं किसानों का कितना खर्चा होता है, खाद का, बीज का, पानी का, मेहनत का, सब कुछ बताया उन्होंने। और उस खर्चे को मिलाकर 50% ज्यादा प्रॉफिट के साथ एमएसपी देने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही और अब 10 साल प्रधानमंत्री जी को हो गए, तो किसान और कितना इंतजार करेगा? कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, कितने किसान बर्बाद हो गए। अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। वो हाईकोर्ट गए अपने सस्पेंशन को लेकर और आज प्रिविलेज कमेटी के सामने सुनवाई भी है उनके सस्पेंशन को लेकर, उनके उन पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन होना उसको लेकर। देखिए, मैं ये समझता हूं कि राज्यसभा में जो रूल्स हैं वो विधानसभा के रूल्स के जैसे हैं। राज्यसभा के अंदर अपोजिशन पार्टी के ढेरों सांसदों को, हमारे संजय सिंह जी को, राघव चड्ढा जी को, सबको इसी बात पे निकाला कि हाउस में वो लोग हंगामा कर रहे थे और उनके मामले को प्रिविलेजेस कमेटी में भेज दिया गया और कहा गया जब तक प्रिविलेज फैसला नहीं करेगी तब तक आप सस्पेंड हैं। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एमएलए मान गए कि जो काम धनखड़ जी ने राज्यसभा में किया वो गैरकानूनी था और कोर्ट में उसको चैलेंज किया? अगर वो गैरकानूनी था तो उन्हीं की पार्टी के बनाए गए राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ साहब ऐसा गैरकानूनी काम क्यों कर रहे हैं? पार्लियामेंट में गैरकानूनी काम क्यों किया जाता है? विधानसभा में हो तो गैरकानूनी है? इस बात में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा।